स्वागत कर दिए हैं, स्वागत करते हैं इनके। बहुत बहुत बधाई हो भाई, आराम से क्या आप रहे हैं आपसे सर कहीं मुलाकात भी हुई है क्या? हाँ ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अभी रास्ता भटक जाने पे भी जो रास्ता मिलता है ना वो बहुत ही खूबसूरत मिलता है। आप ये देख रहे हैं, मैं अभी कटरा की तरफ जा रहा था और मैं 13 किलोमीटर आगे आ गया और अभी मैं 13 किलोमीटर रास्ता दूसरी तरफ से घूम कर जा रहा हूँ। पीछे आपको इस पेड़ के पास दो पॉइंट मिलेगा, एक लेफ्ट की ओर जा रहा है एक राइट की ओर जा रहा है, यानी कि लेफ्ट साइड यानी कि पहाड़ के साइड में आप मूव कीजिएगा क्योंकि ये बालगंगा जाता है। हालांकि वहाँ बोर्ड लगा हुआ है बट फिर भी एक जनरल इन्फॉर्मेशन। तो मैं वापस जा रहा हूँ क्योंकि रास्ता लंबा है, नया है, बहुत कम लोग जाते हैं क्योंकि लंबा पड़ता है। हेलो भवन, यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर बचा है और एज यू कैन सी पूरे तरीके से हम लोग ऑलमोस्ट बादलों में ही हैं। पूरे तरीके से भी नहीं कहूँगा क्योंकि कुछ कुछ दिख भी रहा है, लेकिन आप जैसे इधर देखते हैं तो हम लोग पूरी तरीके से बादलों में हैं। सर ये उधमपुर होते हुए श्रीनगर निकलना है, तो वो कौन सा रूट? ये रूट आगे से जम्मू रूट मिलेगा, पाटा कर लीजिएगा। अच्छा, इसी वाले रूट में। शहर से थोड़ा सा निकलते ही घाटी शुरू हो गई है, तक तो आराम से ढलाव ढलाव था, अब एकदम स्टीप चढ़ाई शुरू हो रही है। शायद ये वही जगह है जहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ था और जिसके लिए रास्ता बंद किया हुआ था। लग भी रहा है कि यहीं से लैंडस्लाइड होते हुए नीचे गया था और रास्ता बंद हो गया था। कोई नहीं कोई नहीं, खरदुंगला भी चढ़ेगी, रोहतांग भी चढ़ेगी, सभी जगह चढ़ेगी। बहुत एज पर रुका हुआ हूँ, इट्स नॉट सेफ बट फिर भी बहुत सेफ जगह पे हूँ और आप ये खाई देख सकते हैं। फिर से पेंटिंग, बादल, आसमान दम ब्लू आसमान, पहाड़, पूरी ग्रीनरी, बहुत सारे पेड़ और घर। वहाँ से आ गए स्कूटी? हाँ बस आ गया, पहुँच गई गाड़ी। अभी कहाँ तक जाना है? अभी तो पूरा ले तक जाऊँगा। लेफ्ट साइड में पूरी खाई है एंड वेरी ऑब्वियस डर तो हर किसी को लगता है। इधर से ट्राई करो, इधर से, इधर से। आप अकेले सोलो? सोलो। अरे कोई नहीं, अब सब लोग साथ हो गए ना। और बाइक से क्या? मैं कह रहा था अपने फ्रेंड को, आ जा अब तो पछता तू। तो 7:05 मतलब हो रहे हैं और आप देख सकते हैं पूरी रोशनी है। ले 440 वोल्ट है, छूना है मना। तो आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अच्छा लगता है ना? बिहार से? हाँ बिहार से हूँ। बहुत ही हाईलाइटेड जगहों में से एक है, तो यहाँ पे सिक्योरिटी बहुत टाइट रहती है और यहाँ पे पहले आप वाला सिस्टम नहीं है, आप घुस गए तो आप निकल जाइए। हाँ लद्दाख फ्रॉम पटना, मैं पटना से बिहार। हाँ स्कूटी पे ठीक चला? हाँ अभी तक तो चला। इस ट्रिप का पहला आयरन ब्रिज, अभी इधर से किधर ले 400 किलोमीटर है, कारगिल 174 है, द्रास 117 किलोमीटर है। मतलब कहा जाए शहर का एक छोटा सा कस्बा, बस स्टैंड भी है, स्कूल, मदरसा, मस्जिदें हैं यहाँ पे, ट्रेडिशनल घर और बड़े बड़े बालों वाले कुत्ते। भाई रुके हैं, शायद कोई दिक्कत हो। ये देख सकते हैं आप वो छोटा सा जो बीच में वाइट दिख रहा है, ये ग्लेशियर है और यहीं से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होती है। बियाड़ों की गाड़ी आते हुए, ये बर्फ हटाने वाली गाड़ी है। अरे बाबा रे बाबा, आप अगर देख पा रहे हो वैसे जाना है। खाई की तरफ तो बिल्कुल नहीं आऊंगा, एक बार में ही डर लग गया, डर का एहसास हो गया क्या होता है। एक ही रास्ता है यहाँ, बस एक ही रास्ता ना? कोई रास्ता? हाँ मैं बिहार से आ रहा हूँ, पटना से डायरेक्ट। यही वाटर क्रॉसिंग मैं करके आ रहा हूँ, जूते थोड़े से गीले हुए हैं, कोई बात नहीं,
तो बस देख के ही निकल जा रहा हूँ। और ये है सामने का व्यू। तो फाइनली माइटी जोजिला पास पे हम लोग पहुँच गए 11,649 फीट की हाइट पे। थैंक यू रवि भैया फॉर गाइडिंग मी ऑल द टाइम, और भी बाकी सारे मेरे फ्रेंड्स सब लोगों को। ये द्रास सिटी है, द्रास सिटी से गुजर रहा हूँ। ये वर्ल्ड का सेकंड कोल्डेस्ट। कल कल करती हैं नदियाँ, और इस नदियों के साथ मैं भी चलता चला जा रहा हूँ। अपनी ये प्यार, ये हायाबुसा तो इससे कम थोड़ी है। मेरी पार्टनर है या पार्टनर ले जा रहा हूँ। हाँ जी, से कहाँ से है, कहाँ पे है, कहाँ से है? मैं पटना से आया हूँ, बिहार से। इतनी चढ़ाई तो चढ़ा लिया, अब ये चढ़ाई चढ़ानी है। एक तो ऑक्सीजन की ऐसी कमी है, कोई नहीं, लड़बो मरबो जीतबो रे, जो भी डायलॉग था बस भाई। हिम्मत है मर्दा, मदद है खुदा। वैसे इसमें भी जीपीएस लगी है, कोई दिक्कत नहीं है। बैग पेट्रोल में, हाँ उसी में गड़बड़ हो गया। एकदम बीहड़, जिसको बीहड़ कहते हैं ना, वैसा ही दिखता है एकदम। बाबा रे बाबा, ये तो एक पे एक जगह, एक पे एक पहाड़ दिख रहा है। मुझे तो लग रहा है मैं रुक रुक कर फोटोज ही क्लिक करूँ। नकीला पास फाइनली आई क्रॉस्ड। हवा बहुत तेज है और बहुत नीचे जाना है। मैं पटना से, हाँ जी, स्कूटी पे। 3 अगस्त 10 दिन हो गए। बहुत अमेजिंग हो आप। अरे थैंक यू। मेरा शिव नाम है। हो जाए सारा कुछ कर लेना। सर बड़ी हिम्मत है यार, बड़ी हिम्मत। एकदम शांति, सिर्फ यहाँ मैं हूँ और मेरी सांसों की आवाज है और हवाएं जो चल रही हैं वो है। खूबसूरत चाय, खूबसूरत व्यू और खूबसूरत लोग। बेतिया से मिल गए मुझे भैया लोग सबको यहाँ पे। बहुत अच्छा लगा, इनको भी बहुत खुशी मिली है कि हमें पटना से गाड़ी चलाकर आया हूँ, और इनको अभी तक नहीं पता है कि हम स्कूटी चला कर आए। स्कूटी 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 से आ गए, स्कूटी से, मोटरसाइकिल नहीं है। अल्ताफ भाई जो कल मुझे मिले जम्मू कश्मीर से हैं, और इन्होंने मुझे प्रॉमिस किया। एक्चुअली मैंने इन्हें बोला और फिर इन्होंने बोला कि आप आओ हमारे कश्मीर, मैं घुमाता हूं आपको। वेलकम। तो शिव भाई जो हमारे राइडर हैं बिहार पटना पटना से जो हैं, तो काफ़ी एंजॉय किया है। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं, ये स्कूटी पे 90cc स्कूटी पे जा रहे हैं। एक एडवेंचर है, प्योर एडवेंचर है ये। फाइनली मैं फाटूला टॉप पे पहुंच गया, जिसकी हाइट है 13,479 फीट। इस पूरे पहाड़ पे ग्लेशियर है, एकदम टॉप पे आप देखें ग्लेशियर है, बर्फ बर्फ। सामने तो खड़ी है अकेले हैं, सोलो राइड है, कोई साथ में नहीं। ऐसे बाइकर लोग तो मिलते रहते हैं रास्ते भर में, वो अलग है, लेकिन सोलो, पटना से सोलो फिर वापस पटना मनाली होते हुए। अरे थैंक यू। चलिए बस मेरे पास है। पटना से, पटना से। अरे बाप रे, पटना से स्कूटर लेके आए हो? स्कूटी लेके, हाँ जी। कहाँ तक गए थे? अभी तो बस ले करने जा रहा हूँ, फिर मनाली होके निकल जाऊंगा वापस। अच्छा मनाली भी स्कूटर से लेके? पूरा कंप्लीट करके। हां हां, देखिए इधर एकदम छांव है और उधर पहाड़ पे पूरा धूप है, यही है धूप और छांव। और ये मैग्नेटिक हिल है, छोटे छोटे टैंक्स, मिसाइल लॉन्चर्स, और ये हॉल ऑफ फेम है। एवरी डे इज अर्थ डे, बहुत सही बात है, हमें अपने नेचर का, अपने प्रकृति का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। मैं अभी हूँ छाँव में, यहाँ ज़्यादा ठंडी लगती है। यार सही में बहुत स्ट्रगल है ऊपर चढ़ने में, बिल्कुल ही रॉ नेचर, मज़ा आ रहा है लेकिन उतना ही डेंजरस भी है। एकदम सीधी चढ़ाई है, आप देख सकते हैं अभी तो 20 है, 10 से 20 के बीच में ये स्पीड वेरी कर रहा है, और इतने ही स्पीड पे ये गाड़ी चल रही है। बस चढ़ती चली जाए यार, गाड़ी बहुत टफ कंडीशन से चढ़ रही है। और मेरी भी सांस फूल रही है, बोलने का तो बिल्कुल बन नहीं रहा है। मेरा ये हाथ तो काम कर रहा है बट इसकी उंगलियां एकदम जाम हो गई हैं, इसमें बर्फ अभी भी जमी हुई है। तो आप सोचिए क्या टेम्परेचर होगा अभी, बहुत टफ है यार। अब मुश्किल से 1-2 किलोमीटर लगता है कि बचा होगा। यस 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 यस, वी डिड इट। हाँ, खारदुंगला फाइनली रेज्ड।
चला ही लिए आ गया। बिहार से आ रहे हो? बिहार से। बहुत ठंडा है सर। सिंगल्स तो सोलो 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 वन पर्सन। थैंक यू सर, थैंक यू। बस दिस सर्वाइव, मानना पड़ेगा। थैंक यू। बहुत लोग अप्रिशिएट करते हैं यार, मेहनत तो बहुत है, हालत तो बहुत ख़राब हुई है। अपने सामने से जा रही है टाइगर, कोई बात नहीं, आज टाइगर सामने से गुजर रही है, एक दिन अपन टाइगर के साथ होंगे। चढ़ जा, कोई बात नहीं, अपन ऐसे चढ़ाएंगे। है फूल खिला है, ऑलमोस्ट नो रोड। और इस वक्त मेरे सामने दिख रहा है चांगला पास का, वहाँ पे अपना इंडियन फ्लैग 17,688 फीट। मैं बिहार से कहाँ से? पटना से। प्रॉपर पटना में है। स्कूटी से वहाँ से ही चला, स्कूटी से इधर। थैंक यू सर, वहीं से लेके निकला हूँ। फिर 15 दिन हो गए, 13 तारीख को निकला था, 15 दिन हो गए अभी। सिंगल सोलो। स्कूटी लेके आए थे जो आगे? हाँ जी। ये तो बिहार से आ रहे हैं। बिहार से? हाँ जी। स्कूटी लेके? स्कूटी से ही। अकेले हो कि ग्रुप में? नहीं, अकेले हूँ। ग्रुप में स्कूटी के साथ कौन चलेगा, मेरी इसकी स्पीड ज़्यादा होती नहीं है ना। अभी मैं 5 और 10 की स्पीड पर चढ़ाई चढ़ाया हूँ तो वो चीज़। वाह क्या सड़क है, ऐसी सड़क मिल जाए तो मैं तो आज ही मनाली निकल जाऊँ। ये वही रेंज है जब इंडिया में एक बार यूएफओ सर्च, मतलब यूएफओ आइडेंटिफाई किया गया था, मिला था, दिखाई दिया था। मुझे भी कोई यूएफओ दिख जाओ भाई, मेरा वीडियो भी वायरल हो जाएगा। कि ठीक है, बहुत तकलीफें हो गई, बहुत सारा चीज़ हुआ स्कूटी लाने में, लेकिन लाकर अच्छा किया। अदरवाइज बुलेट लेके गुजर रहा था, क्यों मुझे हाथ दिखाता वो? तब हम भी तो वहीं से कर रहे हैं, है कि नहीं? ठंडी पड़ गई थी, चलिए। अरे बाबा, अभी तक तो सिर्फ प्लेन दिख रहा था, देखिए कितनी खाई भी है, और ये पानी वाली है नदी है। पल में मांसा पल में सोला, कितने रंग बदलती है, कितना अच्छा लग रहा है। मेरी परछाई मेरे सामने पूरे गाड़ी के साथ। कि बच्चों के साथ रहते हैं लोग, मैं कई बच्चे भी हैं। चलो बाय बाय। अय्या, अच्छा लगता है क्योंकि ठीक है इनके पास पैसे होंगे, बट खरीदने के लिए तो जगह नहीं है ना, और क्या खरीदेंगे यार। ये ज़िंदगी जीने के लिए, दो वक्त की रोटी कमाने के लिए, ज़िंदगी जीने के लिए ये इतनी कड़ी मेहनत में कर रहे हैं। तो भैया 400 टॉफ़ीज़ हो गए, 400 टॉफ़ीज़ मतलब 400 स्माइल्स। और पैसा मैटर नहीं करता है, आप उन्हें जो देते हो ना, उन्हें वो खुशी लगता है कि कोई मुझे कुछ दिया है। उससे जो चेहरे की स्माइल आप होती है ना भाई, वो स्माइल प्राइसलेस है। देखिए कितना फ़र्क है लद्दाख और हिमाचल गवर्नमेंट में, कि लापरवाही का क्या नतीजा होता है। और ये पूरा देखिए कैसे 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 करके घूम घूम के लोग आते जा रहे हैं। नेचर हार्श तो है ही, लोग कितने हार्श हैं, कोई उतरा भी नहीं कि थोड़ा धक्का दे दूं। अभी आप कितना ऊपर चढ़ाओगे भाई? तो फाइनली नकीला पास डन। अपनी BMW के साथ आऊँगा। यही गिरा था, इसी को साफ किया गया है। अपनी स्कूटी भी बुलेट से कम है क्या? बुलेट निकल गई, अपन भी निकल गया। जैसे जैसे बुलेट चली वैसे वैसे अपन की प्यारी चली। चल तो सही रहा हूँ,
लेकिन ये खत्म होने का नाम नहीं ले रहा यार, कितना लंबा है। फाइनली उतरा, फाइनली फंस गई, पूरा आधा आधा चक्का डूब जा रहा है धूल में, क्योंकि अगर टायर फंसा तो फिर इधर कोई निकालने आने वाला नहीं है। यस नो 90 cc, 90, यस 90 cc। पानी से जितना दिक्कत नहीं होती है उतना उसके अंदर के पत्थर से होता है, और मैं फंस गया। रास्ता तो खोल दिया है, मैं अभी वेट कर रहा था कि ट्रक जाए तो ये जो ऊबर खाबर जो ईंट है ना पत्थर, वो थोड़ा बैठ जाए। मतलब थोड़ी सी बुद्धि तो है अपने पास ना, भले पहली बार राइड कर रहा हूँ। ये गायब हो गया, लेफ्ट जाना है, लेफ्ट या राइट? हाँ, ठंड भी बढ़ रही है, मौसम भी खराब होने को है, और अंधेरा भी। बहुत ही खूबसूरत नजारा, नाम लिखा हुआ है सूरज ताल, गजब लग रहा है, एकदम हिमालय रेंज। लग छू कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। ये जो राइट साइड में हमारे जो तालाब दिख रहा है ये अभिषेक तालाब है। पता नहीं यार, वो जब से वाइन सब देखा हूँ दिमाग पे एक ही गाना चढ़ गया है, नशा शराब की होती तो नाच दी बोतल। हाय रे हाय, बादल कितने खूबसूरत लग रहे हैं यार पहाड़ों में बादल। मन तो कर रहा है कैमरा निकाल कर फोटो खींचूं, बट कैमरा वाटरप्रूफ नहीं है ना। इस पे लिखा है वार्निंग, वर्क इन प्रोग्रेस, गो स्लो। तो बारिश है ऊपर से, ऐसे ही कीचड़वा मिलेगा तो कहाँ होगा हो। हाँ, तनी से वाइजर खोल ले ले बानी कि तनी सुधावा देखल मिलल जाओ। हमार गोप्रो में ना एगो खासियत बा, जाना ला का एकरा कहिला जैसे हमार बात मानेला, ठीक नू? देखा जैसे हम कही थे एकरा गोप्रो स्टॉप रिकॉर्डिंग, याद ही तेज भाई, एकरा कहनी कि रुक जात तो तुरंत रुक गई है ना। जैसे बहुत लोग के दिमागवा जो रहा है ओजा स्थान से भसक जा है, तो ऐसे ही भसक गल। तो चले के फटाफट, कहे के रोडवा आ गए एकदम सटासट हनु। चला सामने अटल टनल आ गया, पीछे लिखा हुआ भी था फर्स्ट व्यू ऑफ अटल टनल। चलिए पूछा तो ऐसे रास्ते में घुसा दिया कि अब उधर से रिटर्न भी नहीं जा सकता, और इतना ज़्यादा स्टीव है।